साईं बाबा को भगवान का दर्जा दिया ही किसने? हम उनको ना ही भगवान मानते थे, ना ही अभी मानते हैं, ना ही कभी मानेंगे। बार देख लीजिए, क्लब देख लीजिए, ठेका देख लीजिए, वहां पे बजरंग बली की मूर्ति हो या ना हो, महादेव की मूर्ति हो या ना हो, लेकिन साईं बाबा की मूर्ति आपको जरूर मिलेगी। क्यों? तो ये जनता को समझने की जरूरत है। ये जो भी सिर्फ और सिर्फ है वो सब प्रोपोगेंडा है। मैं उनको एज अ पीर बाबा या एज अ संत के तौर पे उनको ज्यादा उनको तवज्जो दूंगा। तो संत और भगवान में बहुत बड़ा फर्क होता है। कहीं ना कहीं ये मानसिकता गलत है जो घोटी गई है हमारे लोगों के बीच में कि वो भगवान है। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों के वजह से हर दिन सुर्खियों में रहते। एक बार फिर से उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद तमाम लोग उनका विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं शेर की खाल पहनकर कोई भी जो है वो गीदड़ नहीं हो जाता, गीदड़ की खाल। तो जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है साईं बाबा को लेकर, साईं बाबा को उन्होंने साफ मना कर दिया है भगवान मानने से। क्या कुछ कहेंगे, लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं, तमाम लोग उन्हें मानते हैं, तो क्या इस बयान का आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करता हूँ, खुलेआम समर्थन करता हूँ। साईं बाबा को भगवान का दर्जा दिया ही किसने? उनका उनकी जीवनी उठा के पढ़ लीजिए, उनमें उनका नाम चांद मियां लिखा गया है। तो वो साईं बाबा, पहली बात तो वो हिंदू नहीं थे, तो ये मैं सबको बता देना चाहूँगा, वो हिंदू नहीं थे, ठीक है, वो मुसलमान थे। उन्होंने बहुत सारा कन्वर्जन भी करवाया, तो इन द सेंस हम उनको ना ही भगवान मानते थे, ना ही अभी मानते हैं, ना ही कभी मानेंगे। साईं बाबा की छवि सिर्फ और सिर्फ ये मौलाना और मौलवियों ने एक सेक्युलर का क्या बोलते हैं, एक सेक्युलर का सिंबल दिखाने के लिए उनको एज अ रिप्रेजेंट किया था, एज अ साईं बाबा, जबकि वो हिंदू बिल्कुल थे नहीं थे, वो मुसलमान थे। तो ठीक है, हम उनका तहे दिल से समर्थन करते हैं जो भी बागेश्वर धाम जी ने कहा। और मैं तो हमेशा से साईं बाबा का बॉयकॉट करता हूँ, मैं उनके आगे ना ही कभी मत्था टेकता हूँ, ना ही उनके मंदिर में कभी जाता हूँ, ना ही उनके कभी भंडारे में जाता हूँ, मैं उनका वैसे भी समर्थन नहीं करता हूँ, मैं तो पहले से बॉयकॉट करता आया हूँ। अच्छा, लेकिन लोग मानते हैं शिरडी मंदिर है, वहाँ पर लोग जाते हैं आस्था के साथ, तो क्या उन आस्था जो लोग उनको मानते हैं उस आस्था का भी मजाक नहीं उड़ाया है धीरेन्द्र शास्त्री ने? कहाँ उस आस्था का मजाक उड़ाया, ये आस्था जो भी जागरूक की गई एक जनता के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ मूवीज बॉलीवुड द्वारा जागरूक की गई, उनकी पिक्चरें बनाई, उनको उसमें अच्छा दिखाया, तो जो भी आप लोगों के सामने आप रिप्रेजेंट करोगे धीरे 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 वही छवि बनेगी ना। अब मूवीज ने तो बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया, मूवी ने तो मुगल को भी अच्छा दिखाया। अब आप कहीं भी देखोगे मुगल का बॉयकॉट होगा तो उसके समर्थन में लाखों हजारों लोग की भीड़ उमड़ती है। तो हर बुरे चीज के समर्थन करने के लिए हर एक जगह पे बुरे ताकतें बैठी है, तो हमें उनसे लड़ने की जरूरत है, हमें उनकी जो भी प्रोपोगेंडा है उसको बस्ट करने की जरूरत है। तो उसके लिए हमें जो भी आवश्यक कदम उठाना है उठाने के लिए तैयार है। उसमें से एक सबसे बड़ा आवश्यक कदम यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का समर्थन करना, जो कि हम पुरजोर तरीके किसी भी बयान का समर्थन करेंगे। क्या आप वो भगवान के विरुद्ध खड़े हो गए, कहते हैं सनातन धर्म एक है, अब जो सनातन धर्म के लोग है वो भी तो साईं बाबा को मानते हैं ना, उनकी क्या गलती है? सनातन धर्म के लोग साईं बाबा को नहीं मानते, जो भी खुद को सेक्युलर बोलते हैं, जो बोलते हैं कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता, या जो बोलते हैं कि मैं सब धर्म को एक ही नजरिए से देखता हूँ, वही लोग साईं बाबा को मानते हैं। जो भी खुद को कट्टर हिंदू बोलते हैं या फिर खुद को एक प्योर सनातनी बोलते हैं वो कभी साईं बाबा को नहीं मानता। सेक्युलर लोग और जो सब धर्म को मानते हैं या फिर जो नास्तिक लोग हैं किसी धर्म को नहीं मानते, वही सिर्फ और सिर्फ साईं बाबा को मानते हैं। आप मुझे एक बात बता दीजिए, आप कोई भी बार देख लीजिए, क्लब देख लीजिए, ठेका देख लीजिए, वहाँ पे बजरंग बली की मूर्ति हो या ना हो, महादेव की मूर्ति हो या ना हो, लेकिन साईं बाबा की मूर्ति आपको जरूर मिलेगी। क्यों? ये मैंने पर्सनली नोटिस किया है। तो ये जनता को समझने की जरूरत है। ये जो भी सिर्फ और सिर्फ है वो सब प्रोपोगेंडा है, और मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी का इस मुद्दे पे पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दिया है कि साईं बाबा भगवान नहीं है, लोगों की आस्थाओं को क्या उन्होंने ठेस नहीं पहुंचाया? क्यों मैम, उन लोगों ने हमारे हिंदुत्व की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रखी जो साईं बाबा को भगवान के रूप में होते हैं। आप उन्हें संत का दर्जा दो, दिक्कत नहीं है, संत का भी पूजन होता है, लेकिन अगर उन्हें हम भगवान का पूजन का बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे भगवान की बात करें तो भगवान कौन होते हैं, जिनके बारे में ग्रंथों में लिखा गया है और लिखा गया है। भारत के किस ग्रंथ में साईं बाबा का डिस्क्रिप्शन है आप मुझे बता दें एक बार। मैं उनके लोग मानते हैं नहीं मानते, तो मानते तो संत के रूप में माने, संत के रूप में मैं भी उन्हें स्वीकार करता हूँ, मैं साईं बाबा के अपोज नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप साईं बाबा को मानते हैं, आप भी नहीं मानते साईं बाबा को, आप मानते हैं? साईं बाबा को मानते हैं, मैं शिरडी गया हुआ हूँ, पर ऐसा नहीं कि मेरा उन कि मैं हिंदू होने के नाते मैं हिंदू धर्म को पहले मानता हूँ। मैं उनको एज अ पीर बाबा या एज ए संत के तौर पर उनको ज्यादा
उनको तवज्जो दूंगा। पर लोग जाते हैं, श्रद्धा है, भगवान मानते तभी तो जाते हैं। नहीं ऐसा थोड़ी ना, श्रद्धा जिसके ऐसे तो कितने सारे गुरु हैं, लोग गुरु मंत्र लेते सब भगवान थोड़ा हो जाते हैं। श्रद्धा की बात कर रहा हूं ना, बागेश्वर बाबा के पास कितने लोग जाते हैं और उनके मंदिर में नहीं उनकी एक सभा में लाखों लोग जाते हैं। क्या उन्होंने अपने आप को कभी भगवान बताया? क्या बागेश्वर बाबा के भक्त उन्हें भगवान बोलते हैं? वो भक्त हैं, बागेश्वर बाबा के भक्त हैं, लेकिन वो क्या उन्हें भगवान बोलते हैं? उनके भक्त वो भगवान नहीं, उन्हें संत का दर्जा देते हैं। तो संत और भगवान में बहुत बड़ा फर्क होता है। साईं बाबा किनको मानते थे? क्या साईं बाबा ने राम को नहीं माना? क्या साईं बाबा ने कृष्ण को नहीं माना? उन्होंने उन्हें माना। तो मुझे एक बात बताइए, तो उन्हें संत का दर्जा प्राप्त है। कहीं ना कहीं ये मानसिकता गलत है जो घोटी गई है हमारे लोगों के बीच में कि वो भगवान है, उन्हें संत के रूप में पूजा जाना चाहिए। और ये सच्चाई दिखाने का सबसे बड़ा दायित्व मीडिया का भी है और हम लोगों का भी है कि ऐसे मुद्दे उठाए जाए और सच्चाई सामने लाई जाए। साईं बाबा भगवान है या नहीं? क्योंकि त्रिवेंद्र शास्त्री ने कहा है कि कोई भी शेर की खाल पहनने से गीदड़ की खाल के शेर नहीं होता। मैं जो नहीं मानता, मैं भगवान नहीं मानता। आप नहीं मानते भगवान? नहीं। क्यों नहीं मानते हैं सर? भगवान है ही नहीं कहीं। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा है शेर की खाल पहनने से कोई भी गीदड़ जो है वो बदल नहीं जाता है, या साईं बाबा को भगवान मानने से साफ इनकार कर दिया है, क्या कहेंगे? मैम साईं बाबा कोई भगवान नहीं है, एक संत थे, उनके दिखाए हुए रास्ते पे लोग चल रहे हैं। ऐसे अब हर किसी को हम भगवान मानने लगे तो पता नहीं कितने हो जाएंगे। भगवान हमारे लिए महादेव है, विष्णु भगवान जी है, राम जी है, जिन्होंने धर्म की स्थापना की है। साईं बाबा का कोई धर्म का थोड़ी ना है, उनको तो मुसलमान भी मानता है, हिंदू भी मानता है, वो एक तरीके से पीर। तकलीफ इस बात से है कि मुसलमान भी मानता है? नहीं तकलीफ इस बात की नहीं है, हम तो उनको एक आदर्श पुरुष मानते हैं, आदर्श पुरुष है वो, उसके अलावा उनको भगवान नहीं माना जा सकता, वो पूजने के लिए योग्य नहीं है। पूजने के लिए जो योग्य है वो भगवान जैसे महादेव है और सारे देवी देवता वो हैं। अब हर किसी को जो धरती पे आए वो कुछ दिखाए तो हम उसको भगवान मानने लगे तो ऐसे नहीं हो पाएगा। जो धर्म में लिखा हुआ है, जो हमारी धार्मिक किताब है, हम उसके हिसाब से चलेंगे और कोई वो नहीं है। अच्छा चलिए, तो जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने भगवान साईं को लेकर जो बयान दिया है उस पर क्या थी इनकी राय, आपने सुना। वीडियो में फिलहाल इतना ही, हाजिर होंगे एक नए मुद्दे एक नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सौगन टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरा पर्सन सचिन के साथ चैनल जा दिल्ली सौगन टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।